80 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनार संप्रसारण को मिलिला कैबिनेट अनुमोदन मिलिब देशर 80 कोटी परिवार को जुलाई नवेम्बर पर्यंत 5 मास पई अतिरिक्त खाद्य राशन एने आज प्रेसमिट्रे घोषणा करिसंती केन्द्र कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर गरीब एवं असहाय लोकंकु निरंतर सहायतार आवश्यकता को दृष्टि आगे रखी जून 30 रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासीको पाहि एही बड़ घोषणा करथिले। देशर 80 कोटी लोकंकु पूर्णी 5 मासर मागणा खाद्य शस्य मिलिबानै घोषणा होइथिला। जुलाई अगस्ट सेप्टेम्बर अक्टोबर एवं नवेम्बर शेष जाय मिलिब मागणा राशन एथिपाई 90,000 कोटी टंका खर्च करिवे केन्द्र सरकार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले 3 महीने अप्रैल मई और जून में 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज चावल या गेहूं और एक परिवार को 1 किलो दाल ये पिछले 3 महीने में लगातार फ्री मिला। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि इसका विस्तार करेंगे, आज उसको अमली जामा पहनाया है मंत्रिमंडल ने। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीने अब ये योजना चालू रहेगी जिसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति 81 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज मिलेगा। एथिरे ओडिसारु पाखापाखी 92,98,000 परिवार उपकृत हेबे। ओडिसारु प्राय 3,24,73,370 लोक लाभ पाइबे। एहि योजनारे वर्तमान पर्यंत प्राय 74.3 कोटी हिताधिकारी सहित एप्रिल ओ मे मासरे 74.75 कोटी एवं एहि योजना अधीनरे जून 2020 रे प्राय 64.72 कोटी हिताधिकारी को अंतर्भुक्त करा जाइछि। एथि सहित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अधीनरे जून मासरु अगस्त 2020 पर्यंत कर्मचारी प्रोविडेंट पांठी अवदान 24% को वृद्धि करबा को केंद्र कैबिनेट अनुमोदन करछंती, जेउथरे 12% कर्मचारी अंशीदार एवं 12% नियुक्तिदाता अंशीदार रहिबे। तेबे एही योजना रो समुदाय आनुमानिक खर्च 4,860 कोटी टंका थिबा बेले एही पदक्षेप द्वारा 72 लक्ष रु अधिक कर्मचारी उपकृत हेबे बोली केंद्र मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट द अर्ग स्टार्टेन।